हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम वॉच के यूट्यूब चैनल पे। आज है 9 जून और 9 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ है, जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, सब हम अभी डिस्कस करेंगे और विथ फैक्ट्स। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अंत तक देखें, और ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपके पास में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रैफिक इंडेक्स। ट्रैफिक इंडेक्स 2018 में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? ठीक है, ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, जयपुर या फिर नन। तो क्या लगता है आपको? देखो, जयपुर तो होगा नहीं, ठीक है, दिल्ली होगा या फिर मुंबई होगा। तो आपके हिसाब से आंसर दिल्ली होना चाहिए था, बट आंसर है मुंबई। ठीक है, तो ट्रैफिक इंडेक्स 2018 में भारत का कौन सा शहर है? आंसर है मुंबई। दूसरा क्वेश्चन देखें, हाल ही में 2019 फीफा महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो फीफा महिला विश्व कप है ये। ऑप्शन है चीन, भारत, फ्रांस या नन। अगर अपन फीफा फुटबॉल, फीफा किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से, ठीक है। और फीफा अगर अपन मेन वर्ल्ड कप की बात करें तो ये 2018 के अंदर हुआ था, वो हुआ था रशिया में, और 2022 का हुआ था कतर में। ये बुरा विमन का, मतलब विमेंस का, ठीक है, औरतों का, लेडीज़ का, जिसके अंदर विमन के अंदर 2015 के अंदर हुआ था कनाडा के अंदर, और 2019 में होगा फ्रांस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। तो फ्रांस में 2019 का फीफा महिला विश्व कप, विमन्स का, महिला विश्व कप फ्रांस में होगा। देखो, ये 8 दिसंबर को होगा पेरिस के अंदर, फ्रांस पेरिस में। ठीक है, इस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप चाहें तो टेलीग्राम के अंदर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं एग्ज़ाम वॉच ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कचरे से ऊर्जा का निर्माण करने वाला देश का पहला प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, कहाँ बना है? ठीक है, तो ऑप्शन है हरियाणा, जयपुर, DMRC या फिर नन। तो इसका आंसर जाएगा DMRC। ठीक है, DMRC क्या है? ये दिल्ली मेट्रो का है। इसकी अगर अपन बात करें तो इसका जो अभी MD है वो है मंगू सिंह। ठीक है ना, मंगू सिंह है। और इसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है ही, सबको मालूम है दिल्ली मेट्रो है, तो हेडक्वार्टर दिल्ली में। और इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर थे श्रीधनम। ठीक है, ई श्रीधनम थे DMRC के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार 5 डिप्टी CM शपथ लेंगे? तो एक तो CM और 5 डिप्टी CM, और ये 5 डिप्टी CM अदर अदर कास्ट से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के CM की बात करें तो CM है वहाँ पे N चंद्रबाबा नायडू, और गवर्नर वहाँ पे कौन है? ESL नरसिम्हा। ठीक है, नरसिम्हन। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पूर्ण गठन कर इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया है? ठीक है ना, नीति आयोग का पूर्ण गठन कर, ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राजीव कुमार। अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का कब हुआ था, इसका फाउंडर कब हुआ था, बनी कब थी, ये एक्स्टेब्लिश कब हुई थी? तो ये थी जनवरी 2015 में हुई थी, और उस समय इसके CEO थे अमिताभ कांत। ठीक है, और इसका पूर्ण गठन कर इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ये वित्त मंत्रियों की बैठक है। अगर अपन G20 की वैसे सम्मित की बात करें जो होती है, तो ये 2019 में होगी ओसाका, जापान के अंदर। ठीक है, और वित्त मंत्रियों की बात करें तो वित्त मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? जापान में। ठीक है, जापान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैक्सिको में, और ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 2003 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विप्रो के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन 31 जुलाई 2019 से कौन होगा? ऑप्शन है रानी मुखर्जी, दीपिका, रिशद प्रेम जी या फिर नन। तो इसका आंसर क्या है? रिशद प्रेम जी। इसके फाउंडर कौन थे? अजीम प्रेम जी। ठीक है ना, अजीम प्रेम जी थे, और इसके जो अभी नए एग्जीक्यूटिव बने विप्रो के, वो है रिशद प्रेम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के सबसे अमीर महिला संगीतकार किसे चुना है? ऑप्शन है उमा, अंजू, रिहाना या फिर नन।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या लगता है आपको, अगर आपने सुना हो इसके बारे में, महिला संगीतकार है और वो भी सबसे अमीर, तो इसका आंसर हो जाएगा रिहाना। ठीक है, रिहाना, रिहाना ने, रिहाना को फॉर्ब्स पत्रिका ने सबसे अमीर महिला संगीतकार चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 जून, 5 जून, 7 जून या फिर नन। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को, 7 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर जॉन रैबनेक का निधन हुआ है, वह कौन है? आंसर है लेखक, फिल्मकार या संगीतकार या फिर नन। तो डॉक्टर जॉन रैबनेक ये थे संगीतकार, इनका निधन अभी अभी हुआ है। डॉक्टर जॉन रैबनेक संगीतकार थे। ठीक है, अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस के आपने देखे होंगे तो उसका एक रिवाइज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन है 2023 का एशिया फुटबॉल कप कौन से देश में होगा? ऑप्शन है जापान, भारत, चीन या फिर नन। तो इसका आंसर अगर आपको पता है, आपने वीडियो देखे होंगे हमारे पहले के वीडियोस भी, हम उम्मीद करते हैं आप हमारे सारे वीडियोस देख रहे होंगे, ऐसे वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तो आप बस एक काम करना है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपके पास में आ जाए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, देखो हमने सैन्य अभ्यास के बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ में, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ में आपको समझा रखा है, वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और हमने रेलवे NTPC के लिए सीरीज चला रखी है साइंस की, इसमें अपन हमें ना कुछ जो भी NTPC 2015 का या ALP का या ग्रुप डी का जो भी क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड आए हैं उनकी हम सीरीज चला रहे हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन साइंस के आते रहते हैं रेलवे के एग्जाम में, तो वो भी आप जरूर देखें, इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है, हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपके पास में आ जाए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाएं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, जिससे सारे जितने भी हम बना रहे हैं डेली करंट, उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ में, थैंक यू, बाय।